नमस्कार दोस्तों, वाइट लेवल एटीएम यदि आप चलाते हो और आपके पास एनसीआर का एटीएम है और जब कभी पैसा कस्टमर निकालता है तो आपके यहाँ डिस्पेंसर फॉल्टी या फिर अनेबल टू डिस्पेस कैश इस तरह का कुछ एरर आता है। जैसे देखो ये स्क्रीन पे डिस्पेंसर फॉल्टी का एरर आ रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप 4 नंबर और 10 नंबर दबा कर कैश टेस्ट करें। यदि डिस्पेंसर सही है तो कैश टेस्ट आपका सही आएगा। उसके बाद नहीं आता है तो 4 नंबर फिर 7 नंबर दबा के आप इस वाले ऑप्शन के अंदर आ जाए। जैसे कि ये खुल गया है, इसमें सेल्फ टेस्ट का ऑप्शन है 2 नंबर में सेल्फ टेस्ट। इसको एक बार क्लिक करके आप कैशेट में जो भी कैश है उसको एक बार सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। यदि सेल्फ टेस्ट यदि होता है तो उस टाइम कुछ इस तरह से स्क्रीन आपका शो करेगा। आप थोड़ी देर वेट करिए क्योंकि ये थोड़ा समय लेता है, और ये टेस्ट पूरा होने दीजिए, उसके बाद ही बैक मूव कीजिएगा। सेल्फ टेस्ट होने के बाद यदि आपको स्क्रीन पे जैसे इस बार लिखा आ रहा है टेस्ट फेल्ड है, तो आपका कहीं ना कहीं और कोई दिक्कत होगा जिस वजह से ये पैसा आपका रुक रहा होगा या फिर डिस्पेंसर से कैश नहीं निकल रहा है। उसके लिए सबसे आप 2nd नंबर पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, नहीं हुआ तो एक बार आप फिर बैक आके 4 नंबर फिर 10 नंबर दबा के कैश टेस्ट करके देख लो। फिर भी आपका रिजल्ट यदि फॉल्टी रहा तो उस कंडीशन पे आप सबसे पहले अपने सारे कैशेट को निकालो। सारे कैशेट को निकाल कर अपना जो भी ये डिस्पेंसर उसको सही से चेक करो कि कहीं कोई नोट उलझ तो नहीं गया या फिर बेल्ट में कहीं कोई नोट फंसा तो नहीं है जिस वजह से ये फॉल्ट आ सकता है, या फिर कैशेट को एक बार अपनी जगह से बदल कर दूसरी जगह डाल के चेक कर लो कि आपका ये ठीक है कि नहीं है। यदि आपका एटीएम में कैश कहीं भी नहीं अटका है और कैशेट में भी कैश ठीक है तो उसके बाद आप एक ऑप्शन नोट कर लीजिए, पहले 7 नंबर उसके बाद 5 नंबर। 7 और 5 जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके एटीएम में एक नया ऑप्शन, एक नया चार्ट खुल के आएगा जो मैं पहले दबा लेता हूँ, जो कुछ इस प्रकार से ये 3 ऑप्शन आएंगे। इसको बारी बारी से आपको एक एक करके चेक कर लें। सबसे पहले आप 1 नंबर पे दबाएंगे, उसके बाद कुछ स्क्रीन रनिंग टेस्ट लिख के आएगा, और उसके बाद जैसे कि आपका एटीएम चलता है कैश विड्रॉल के टाइम, वैसे ही काफ़ी टाइम तक एटीएम चलेगा। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए है कि आपका जो डिफॉल्ट डिस्पेंसर फॉल्टी आ रहा है उस ऑप्शन से आपको पूरा क्लियर कर दे रख देगा। फिर उसके बाद 2 नंबर को दबाकर आप फिर से उस ऑप्शन को भी क्लियर कर लीजिए, जैसे रनिंग टेस्ट आएगा और उसके बाद सक्सेस आ जाता है तो आपको ठीक है। लास्ट में आप 3 नंबर को दबा के भी उसको भी क्लियर कर लीजिए, इससे डिस्पेंसर हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा और आपका एटीएम प्रॉपर। देखो ये देखो टेस्ट सक्सेस है, सेल्फ टेस्ट सक्सेस है। ये ऑप्शन के लास्ट में आप 3 नंबर भी दबा देता हूँ, इसके बाद थोड़े टाइम वेट करिएगा दोस्तों। आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है और मशीन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपका कितना समय लेगा। जैसे कि 1 से 2 मिनट में मेरा हो गया है। इसको तीनों को करने के बाद एकदम जैसे फिर से नोट काउंट जितनी बार भी आप करेंगे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरे नंबर, सब बार में नोट काउंट जैसा होता है। ये क्या करता है, बेसिकली एक एक नोट को कैशेट से उठाकर आपके रिजेक्ट बिन में डाल देता है और नोट उठाने की क्षमता सही है कि नहीं है उसको जांचता है। जैसे कि ये होने वाला है दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बीच बीच में डालता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। यदि जैसे ये सक्सेस हो जाए तो आप इसको बैक दबा के एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप 4 नंबर फिर 10 नंबर दबा के एक बार कैशेट टेस्ट कर लीजिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम वेट करते हैं, प्लीज़ वेट। थोड़े स्लो है मेरा नेटवर्क, इस वजह से थोड़ा समय ले रहा है। तो इस बार भी वैसे ही होता है जैसे कहीं विड्रॉल के टाइम आप करते हो। यदि डिस्पेंसर आपका गुड लिख के आता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और यदि नहीं आता है तो आप अपने इंजीनियर को कॉल कीजिए, उनको विजिट कराइए
और उनके से अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आप किसी भी नट बोल्ट को ना खोलिएगा बिना इंजीनियर के। देखिए मेरा ये डिस्पेंसर टेस्ट अभी टॉप कैश गुड, सेकंड कैश गुड, मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसके बाद मैंने अपने सारे